और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी फाइलिंग के प्रोसेस कैसे आसान किए जाएं इस पर दिल्ली में चर्चा की और इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई और जिसमें जीएसटी फाइलिंग और रिटर्न को लेकर किस तरह से उसे आसान बनाया जाए इसी पर बात हुई। बड़ी खबर आ रही है, प्रतिनिधियों ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सरल बनाने की मांग की है, वित्त सचिव का कहना है। और इसके साथ ही 7 दिसंबर को एक अहम बैठक इस बाबत रखने का सुझाव वित्त मंत्री की ओर से आया है। आपको बता दें आईसीआई सीआईटी और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई, जीएसटी फाइलिंग में दिक्कतों पर चर्चा हुई। फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 दिसंबर को एक अहम बैठक की का सुझाव रखा है। प्रतिनिधियों ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सरल बनाने की मांग की थी। बहुत सारे अहम बिंदुओं पर बात रखी गई है और कहा गया है, और वित्त सचिव ने कहा कि नया रिटर्न पहले से ही नोटिफाई किया जा चुका है, जो दिक्कतें हैं उनको लगातार एड्रेस किया जा रहा है। सरल बनाना, किस तरह से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की जो प्रक्रिया उसे सरल बनाया जाए उसे लेकर लगातार बातें हो रही हैं और उस पर चर्चा हुई है। वित्त सचिव ने कहा है अलग अलग जो टैक्स कंसल्टेशन प्रतिनिधि हैं, 5 संस्थाओं के प्रतिनिधियों से एफएम ने फाइनेंस मिनिस्टर ने मुलाकात की है, जिसमें राजस्थान टैक्स कंसल्टेशन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। तो रिटर्न फाइल डेबिट क्रेडिट नोट में सुधार के लिए सुझाव मिले हैं, वित्त सचिव ने कहा है। बहुत से अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अहम बैठक की उसमें कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। आईसीआई सीआईटी लघु उद्योग भारती से मुलाकात हुई है, 5 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं और चिंताओं से उन्हें अवगत कराया है। और इसके बाद सर्किल स्तर की बैठक में टैक्स पेयर्स शामिल होंगे, जो 7 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक है। मोनिका यादव हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मोनिका, क्या क्या बातें इस अहम बैठक में हुई हैं और 7 दिसंबर को जो बैठक होगी वो किस अहम बिंदुओं पर होगी, उसका एजेंडा क्या होगा और कौन कौन से प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे? जी, आज जीएसटी रिटर्न को सिंप्लीफाई करने के लिए अहम बैठक हुई थी, जिसमें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ट्रेड एसोसिएशंस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव और सीबीआईसी के लोग थे, जिन्होंने आमने सामने ऑनलाइन पोर्टल पे जीएसटी फाइलिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने खुद ही ऑनलाइन फाइल करके देखा। और इस पर, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, पोर्टल पे सर्वर की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इसको लेकर चर्चा हुई थी। और अभी एफएम जो है 7 दिसंबर को भी सर्किल स्तर पर बैठक रखेंगी और प्रतिनिधियों ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाने की उन्होंने मांग की है। और नया रिटर्न जो है वो पहले से ही नोटिफाई हो चुका है, तो वो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे 7 दिसंबर को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मोनिका इस अहम जानकारी के लिए। तो 7 दिसंबर को अहम बैठक और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को कैसे आसान बनाया जाए और बाकी इंडस्ट्री की क्या चिंताएं हैं उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अहम बैठक करेंगी, ऐसा सुझाव है। इधर महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी कंपनी क्लासिक लेजेंड ने शुक्रवार को जावा पेराक मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च कर दिया। भारत में जावा पेराक की कीमत 1,95,000 रुपए रखी गई है। फीचर्स की बात करें तो जावा पेराक 334 सीसी वाले BS6 इंजन से लैस है। राइडर की सेफ्टी के लिए जावा पेराक में डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। बाइक के हेडलाइट के ऊपर ही डिजिटल मीटर मिलेगा। जावा पेराक की बुकिंग 1 जनवरी 2020 से शुरू होगी, वहीं इसकी डिलीवरी 2 अप्रैल 2020 से शुरू की जाएगी। ये कस्टम स्टाइल बाइक है जो भारत में रॉयल इनफील्ड, बजाज डोमिनार और हार्ले डेविडसन जैसी मोटरसाइकिलों को टक्कर देगी। ये सर से पांव तक जिगरा है, सो दिस इज हॉट, ये दिल है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, एज यू माइट हैव हर्ड, वी आर डिजाइन फ्रीक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल डिजाइन एंड देन वी फोर्स फिट, इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी डाल देते हैं, ब्यूटीफुल डिजाइन और उसके बाद ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। आई थिंक ये दोनों का एक मिक्सचर है एंड मैं अज्यूम करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। लोग बहुत सालों से अपनी मोटरसाइकिल्स को बॉबर बना रहे हैं बट वो टेक्निकली कई बार आगे पीछे हो जाती है। सो ये मोनोशॉक है, ब्यूटीफुल है, ब्लैक में आएगी, 1,94,500 की है
और BS6 है. सो जब नेक्स्ट अप्रैल आएगा, जब लोग अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर रहे होंगे, ये ऐसे की ऐसे निकल जाएगी.